में कर लेते जाइए। और जिला में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम रखीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे हल्का संभली बहादुरपुर के कॉरपोरेटर्स अपनी अपनी मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा किए और जो वक्फ बिल 2024 लाया गया है उसके मुखालिफत में अपना एहतजाज को दर्ज करवाने के लिए QR कोड के जरिए हमारे इब्तदाई मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मुतमदीन महलजात के अंदर और मसाजिद के पास ठहर कर अवाम को रागिब कर अवाम से अपील की जा रही है कि जो जो लोग QR कोड के जरिए अपना एहतजाज को दर्ज नहीं करवाए हैं उन लोगों से ख्वाहिश की गई कि वो एहतजाज को दर्ज करवाएं। ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बखा का मसला है, हमारी मसाजिद का, हमारी दरगाहों का और हमारे कब्रस्तानों का मसला है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज इसकी आखिरी तारीख है, तो लिहाजा जो जो लोग QR कोड के जरिए अपने एहतजाज को दर्ज नहीं करवाए हैं वो भी अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए जो जीमेल या ईमेल आईडी के जरिए अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। तो मैं आवाम से हल्के संभली बहादुरपुर के तमाम मेरे बुजुर्गों से, नौजवानों से, मेरी माओ बहनों से, तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसमें ताउन कीजिए। हमारे इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन आपके घरों पर आकर स्कैन करवाएंगे, आप अपना मोबाइल के जरिए अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए। और आज जितने लोग मस्जिद गौसुल सखलैन मक्का कॉलोनी के अंदर और नमाज जुमा के खुतबे में भी ऐलान किया गया है और अवाम ने बड़ी तादाद में स्कैन करवा कर अपने एहतजाज को दर्ज करवाया है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ में जो अपना QR कोड के जरिए एहतजाज को दर्ज करवाया है। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि ये दिन आप लोग आज आखिरी दिन है, इसके अंदर ताउन कीजिए। शुक्रिया। अपना QR कोड के जरिए वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज को तमाम से गुजारिश है जो हजरात क्लिक करो उस पर स्कैन नहीं किए हैं QR कोड के लिए एहतजाज करवाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना मोबाइल फोन खोल कर जो स्कैन नहीं करे स्कैन करिए भाई, आइए भाई सामने आइए भाई, अपने अपने कैमरे खोल के आइए, मोबाइल लेके आइए, देखते जाते सामने आते जाइए भाई। आइए आइए भैया है, लगा हुआ है फोन निकालिए, स्कैन करिए आप लोग, आप लोग आइए एक मिनट दीजिए। चलो भाई स्कैन कर लेंगे।
भाई जिसका भी स्कैनर है वो भैया स्कैनर कर लेते जाइए। बड़े जने आते जा छोटे बेटे बाबा जी भाई आइए भाई स्कैन कर लीजिए भाई आइए भाई स्कैन कर लेके जाइए जाओ स्कैन करो भाई चलिए बाबा स्कैन मोबाइल निकाल लेते आइए भाई अपना मोबाइल लेके आइए भाई और स्कैन करने के वास्ते स्कैनर ना भैया स्कैनर कर लेते जाइए भाई स्कैनर कर लेते जाइए भाई इसका भी स्कैनर है भैया स्कैनर कर लेते जाइए हो गए नक्की हो गए नगर इधर आ जाइए हो गए भाई 1 मिनट दीजिए भाई खाली बहुत भाई ले लेके आ रहा हूं खाना ठीक है ये काउंटर पे आइए भैया स्कैन करके भाई 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 भाई